हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राखी पे आप कौन कौन से आउटफिट पहन सकते हैं वो आइडियाज़। और गाइस, ये वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपको हाथ जोड़ के दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिया, आप उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आए। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। और गाइस, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मुझे कमेंट्स करते रहिए, मुझे मेरी वीडियोज़ देखते रहिए ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आप मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं और कौन सी नहीं। ये सजेशन भी आप देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे वीडियो बनाने में ना थोड़ी इजी रहता है, मुझे पता रहता है कि आप लोग किस टाइप की वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि राखी पे आप किस तरीके से ड्रेसअप हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ ड्रेसेस के, साड़ीज़ के। तो आई होप ये भी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं आपको कौन कौन से राखी आउटफिट आइडिया देना चाह रही हूँ। और हाँ गाइस, जो भी मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ इसमें से ऑनलाइन है और कुछ ऑफलाइन है। तो गाइस, जो भी इसमें से ऑनलाइन है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और जो ऑफलाइन लिया गया है उससे सिमिलर मिलते जुलते जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं मिंत्रा से, अमेजोन से, जहाँ से मुझे मिलेंगे उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन केस आपको वो पसंद आ रहा है, लेना चाहते हैं, तो उससे मिलते जुलते कोई भी आइटम है एग्जैक्ट वैसे ही मिल जाएगा। तो वो भी मिंत्रा या अमेजोन से, जहाँ से भी मिलेगा उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबको पता होगा कि राखी का त्यौहार कैसे मौसम में आता है, जो कि चिपचिपा बारिश वाला रहता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, हैवी ड्रेसअप होकर आप नहीं रह सकते हैं। बहुत ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं कि देखने में ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हैवी लुक में है, कलर बहुत अच्छा हो, बट सेम टाइम पे वो कंफर्टेबल भी होने चाहिए। यार, राखी ऐसा त्यौहार है जो भागा दौड़ लगी रहती है, कभी इनके घर, कभी उनके घर, कभी आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथ उस टाइम चाहिए होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ वो लोग जो साड़ी सूट प्रेफर नहीं करते, उनके लिए मैं बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आई हूँ। दो ऑप्शन है, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ स्कर्ट। गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में जो भी मिंत्रा की गई होगी उसमें मैंने स्कर्ट का ट्राई ऑन दिया है, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ट्राई ऑन करना इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं है। तो अगर मिल जाएगा तो उसका ट्राई ऑन मैं इधर लगा दूंगी, इनकेस आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगी, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये है वो स्कर्ट, आपने जो इसकी इमेज है मिंत्रा की, मैं वो यहाँ लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और ये कुछ इस टाइप की बहुत ज़्यादा फ्लोरल में है, नेवी ब्लू में, बहुत ही सुंदर है। और ये घेरा देख लीजिए, ये हाफ घेरा है, ठीक है, अभी मैं खोलूँगी तो इतना घेरा और भी है। ये पूरा लहंगे की तरह काम करता है, और इसके फ्रंट और बैक में दोनों तरफ प्लास्टिक है, ठीक है। ये आपका ब्रांड जो है, अभी मैंने इसको देखा भी नहीं है गाइस, ये स्वारा, ये केशवी फैशन की तरफ से है, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका प्राइस वगैरह कितना था गाइस, पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं जो भी होगा स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊँगी। तो यहाँ पे ऐसे हुक दिया गया था। तो गाइस, इस स्कर्ट को आप जो कि अनमैरिड है, या अगर मैरिड भी है तो आप इस स्कर्ट के साथ ना शर्ट कैरी कर सकती हैं, वाइट कलर की, रेड कलर की शर्ट कैरी कर सकती हैं, पिंक कलर की शर्ट कैरी कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और राखी ऐसे त्यौहार पे जहाँ आपको अच्छा भी दिखना है और कंफर्टेबल भी रहना है, वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको मिंत्रा पे मिल जाएगी। जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनना चाहते, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कॉट सेट का। तो गाइस, कॉट सेट अगर आप लेना चाहते हैं तो मिंत्रा पे, अमेजोन पे, हर जगह कॉट सेट अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मेरे पास तीन चार है, मैं उसमें से दो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, ये डिबैको ब्रांड से है। अगर आपका टमी फैट है या आप बहुत ज़्यादा लूज से ऐसा पहनना चाह रहे हो ना, तो वो आपको अच्छे लगेंगे। ये इसकी पैंट है गाइस, तो इसमें इधर इलास्टिक है और इधर बेल्ट है। इसकी भी फ़ोटो मैं अटैच कर दूंगी, और ये कुछ इस टाइप से आएगा, पेंसिल फिट नहीं होता, ये प्लाजो की तरह ही होता है, सॉरी स्ट्रेट पैंट की तरह। इसके ऊपर आपको इस टाइप का ऐसे मिल जाएगा, यहाँ फ्रिल है, और मैंने ये फ्रिल वाला लिया था क्योंकि मेरा थोड़ा टमी एरिया है तो वो थोड़ा छुप सके। तो गाइज, आप इस टाइप की ड्रेसेस भी पहन सकते हैं राखी पे, बहुत ही अच्छा लुक देती है। उसके अलावा एक कॉट सेट मेरे पास और है, जो मैंने अभी रिसेंट में ख़रीदा है लाइफस्टाइल से, जहाँ आपको सबको पता होगा लाइफस्टाइल में इस टाइम बहुत ज़्यादा सेल है, तो वहीं से मैंने लिया था।
तो ये कुछ फैंसी सा नहीं है, कुछ इसी टाइप का है। देखिए फैब्रिक इसका बहुत ही हल्का है, ये फैब्रिक ना सिल्क टाइप में है, पर पता है बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है इसको पहन के। और फ्रंट में इसके इलास्टिक, बैक में इलास्टिक मिल जाएगी और फ्रंट में बेल्ट है, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मैंने ना इसको प्रेस करके बहुत सुंदर से रख दिया है। मैं भी सोच रही राखी पे ही पहन लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी देखिए इसका टैग वगैरह भी नहीं निकाला है मैंने, और ये मुझे मिला था 30% ऑफ पे। ये शायद वैसे 3000 का है, आप लगा लीजिएगा 30% पे कितने का पड़ा था। ये कुछ इस टाइप से है, देखिए इसका फ्रंट कॉलर इस टाइप की है। यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी डिटेलिंग की गई है, सारा वर्क किया गया है। और ये नीचे ऐसा है, ए लाइन में है नीचे थोड़ा सा, ठीक है इस टाइप में। और इसके बटन्स वगैरह देख लीजिए कितने क्यूटली लगाए गए हैं, और बाजू कुछ इस टाइप से है, और बैक में ये बिल्कुल भी बिल्कुल सिंपल है। रुक जाओ भाई, बैक में ये एकदम प्लेन है इस टाइप में। तो ऐसे कपड़े ना देखने में देखिए कितने सुंदर लगेंगे, ऐसे कपड़े देखने में भी सुंदर लगते हैं, और इनको पहनना और कैरी, इनको पहनना और कैरी करना भी बहुत आसान होता है। नहीं तो भैया राखी वाले दिन इतनी उमस और गर्मी, और अगर बारिश आ जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। तो भैया ऐसे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थे मेरी एक रिकमेंडेशन। उसके अलावा सूट लवर है, सूट पहनना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन मेरे पास है। थोड़ा अलग लुक में देखना चाहते हैं तो आजकल ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइस ये मेरा ऑफलाइन था, ये ऑनलाइन नहीं लिया था। इससे मिलता जुलता स्कर्ट वाला पैटर्न जो भी होगा मैं आपको दिखा दूँगी। तो उल्टा है तो गाइस ये कुछ इस टाइप में था, और ये सारा ना ये धागे का काम है, पता नहीं कैसे इन्होंने लगाया हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा है। दिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस टाइप का वेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से है, ग्रीन कलर, और ये इससे मैचिंग में गाइस इन्होंने क्या किया है, स्कर्ट दी हुई है इस टाइप की। ये देखिए ये स्कर्ट दी हुई है, यहाँ डोरी है, और ये स्कर्ट बहुत ही अच्छी। मैं इसका हाफ घेरा दिखाती हूँ, हाफ घेरा भी देखो कितना ज़्यादा है इसमें, है ना। तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी पहनने पे, और इसका कॉम्बिनेशन देखिए, आजकल ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके साथ आपको क्या मिलता है, इसके साथ आपको मिलता है दुपट्टा। तो ये जो है पूरा सेट आता है, तो आप चाहे तो इस टाइप के कपड़ों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं राखी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। सेम टाइम पे ये कॉटन रेयन ऐसे फैब्रिक में है, तो पता है पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगे, और कलर की वजह से ये ना अच्छे लगते हैं पहनने में। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियस मिंत्रा की वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये रेड कलर का एक है, और ये भी पूरा प्रॉपर सूट है, इसकी फ़ोटो मैं यहाँ अटैच कर दूँगी, ठीक है। ये इस टाइप का है, आपने देखा भी होगा जो लोग मेरी पहले की वीडियो देखते हैं, ठीक है। ये इसका पजामा है, दोनों तरफ प्लास्टिक है, तो पहनने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। कलर बहुत प्यारा लग रहा है ना, तो मतलब कॉटन में है ये, और ऐसा आप कुछ ले लेंगे तो आपको कलर की वजह से हैवीनेस भी आएगी इसमें, और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा लाइट कुछ पहना हुआ है। तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं यार, और पता है गर्मी में तो और मज़ेदार हैं ये सारे फैब्रिक। सिल्क वगैरह का तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते इस टाइम पर पहनने के लिए, गर्मी कितनी लगती है राखी पर, ऊपर से काम भी करना पड़ता है किचन में, इसलिए तो कुछ ऐसे ही कपड़े चाहिए जो कि इजी ब्रीजी हो, है ना। तो चलिए ये देखिए, ये है रेड कलर का, फोटो अटैच करूँगी तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कहाँ गया। ये कॉलर वाला होगा, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये इसका फ्रंट है, और फ्रंट के बाद ना इसमें कुछ कमर के पास इस टाइप की ये देखिए इलास्टिक लगी हुई है, और पूरा नीचे घेरे वाला है, देख रहे हैं, और बीच बीच में ना इसमें फ्रिल्स ऐसे लगा के घेरा बनाया गया है, और फ्रंट से ये ओपन होगा। तो ये भी आप ले सकते हैं, मिंत्रा पे अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। एक तो कलर की वजह से रेड कलर है, और ऊपर से इसको मैरिड हो गई, अनमैरिड हो गई, कोई भी पहन सकता है। तो ये ना इसमें दुपट्टा नहीं आएगा, तो अगर आप दुपट्टे वाला पहनने के शौकीन है तो आप स्कर्ट वाले लुक में चले जाइए, इंस्टेड ऑफ पैलर प्लाजोस, है ना, वो तो आजकल सब लोग पहनते हैं। तो आप कुछ इस टाइप के में इन्वेस्ट करेंगे ना स्कर्ट वाले में, तो थोड़ा अलग लुक देंगे, बशर्ते ये पुराने डिज़ाइन है पर ना पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाहे मैंने सबके लिए ऑप्शन बता दिया, तो साड़ीज़ वालों के लिए कैसे छोड़ूंगी भाई, वेस्टर्न के लिए भी बता दिया, इंडियन के लिए भी बता दिया। तो चलिए साड़ी में आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की साड़ी ले सकते हैं। अब ये क्या होती है, लहरिया प्रिंट में होती है गाइज, ये साड़ी इतनी ज़्यादा हल्की होती है ना कि आप पहन लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ये दुपट्टा मैंने ओढ़ा है, अभी मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये दुपट्टा मैंने ओढ़ा हुआ है, इतना हल्का होता है ये, है ना। और आजकल तो हर जगह मिल जाते हैं ये, तो ये लहरिया प्रिंट में साड़ी है, ये देखिए ये मैंने ली थी, और इसके नीचे ये बॉर्डर लगवाया था मैंने, खुद से लगवा लिया था, बट आजकल ऐसे बने बनाए भी मिल जाते हैं। तो ये पूरी साड़ी ऐसी होती है, इसमें पल्ला वल्ला कुछ चेंज नहीं होता, मतलब अलग नहीं होता, पूरी साड़ी आपको ऐसी ही मिलेगी।
मैं रुकिए खोल के दिखा दूँ। देखिए पूरी साड़ी में ऐसा वर्क, मतलब ऐसी लहरिया प्रिंट आपको मिलेगी। इसमें आपको दुनिया भर के कलर्स मिल जाएंगे, तो जो कलर्स आप चाहते हैं ना वो कलर्स आपको मिल जाएंगे। और आप देखिए पहनी हुई कितनी अच्छी लगेगी, हल्की भी है, राखी के हिसाब से भी अच्छी लगेगी। अगर आप मैरिड हैं या न्यूली मैरिड भी है ना, तो भी ये साड़ी का कलर वगैरह और इसका डिज़ाइन लहरिया प्रिंट ना सब पे अच्छा लगता है, सब पे। इसके अलावा गाइस जो लोग और थोड़ा ऐसे चाहते हैं हैवी लुक में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके पास एक ऑप्शन है लखनवी साड़ियों का। लखनवी चीज़ें कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। जैसे सिल्क सदाबहार है, वैसे लखनवी चीज़ें भी, लखनवी आउटफिट्स भी हमेशा सदाबहार ही रहेंगे। मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे कितने सूट साड़ी दे दो भैया, मुझे लखनवी ही चाहिए। मुझे मतलब बहुत प्यार है। देखो पर्सनली मैं येलो कलर की लवर नहीं हूँ, मुझे येलो कलर अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ये गिफ्टेड साड़ी है तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये है येलो साड़ी, मैं इसकी फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी यहाँ पे, क्योंकि पूरी खोल के दिखाऊँगी तो मेरा काम बढ़ जाएगा। ये वैसे भी आपको इसका पल्ला दिख रहा है देखिए, और ये इतनी सुंदर लगती है और इतनी लाइट वेटेड है। अब येलो कलर थोड़ा ये है ना, आपको जैज़ब कर देता है, फेस पे ग्लो ला देता है। ये देखिए ये साड़ियाँ इतनी सुंदर लगती है ना, देखो है ना, बहुत सुंदर लगती है। तो आप येलो कलर की लखनवी में या लखनवी में रेड कलर, पिंक कलर, आजकल तो सारे कलर्स आते हैं गाइज, तो आप ऐसी साड़ियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राखी के लिए हल्की भी रहेगी और पता है ये पहनी हुई पता ही नहीं चलेगी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती इनको पहन के। और लखनवी में कॉटन भी आता है, जो लोग कॉटन लवर है ना वो लखनवी में कॉटन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज अब मैं आती हूँ कॉटन पे। जो लोग सच में कॉटन का पहनना पसंद करते हैं, तो इस टाइप की साड़ियाँ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, अगर कॉटन की साड़ियाँ वगैरह स्टोर करना हो ना, तो ऐसे बैग्स आते हैं, ये भी फैब्रिक कॉटन में ही होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने मीशो से जो स्टोरेज बैग्स होते हैं ना वो मंगवाए थे कॉटन के, वो भी बहुत अच्छे निकले मेरे। तो ये देखिए ये कॉटन की साड़ी, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ ताकि इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसे अगर संभाल के रख दो ना आप, तो ये टाइम चलती हैं यार साड़ियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पहनी नहीं जाती हैं। देखिए ये है कॉटन की साड़ी, और ये वाला कलर पैटर्न आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है। और गाइस इसके अलावा भी रेड कलर, येलो कलर, ये मैंने इतने ज़्यादा देख लिए ना ऑनलाइन कि मेरा फिर से दिल आ गया लेने का। ये मेरे हस्बैंड जो है वो गुजरात से लाए थे शायद, तो ये मतलब मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी है, फिर भी ये देखिए कितनी प्यारी लगेगी। तो आप कॉटन भी ऑप्शन है, पहले पता है कॉटन का दिमाग, कॉटन को ही बोलता था तो दिमाग में आता था अरे ये तो एजड लोग पहनते हैं, जिनकी एज हो जाती है वो लोग, हमारी दादी नानी लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल कॉटन इतना ज़्यादा ट्रेंड में है ना गाइस, और सेम टाइम पर ये इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है, सुंदर भी लगती है पहनने पर, बस आपको कैरी करना आना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि जब आप ये ख़रीदते हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें कलफ लगा होता है, मतलब स्टार्च होता है, तो बहुत भागती है साड़ी, मतलब अच्छे से पहनी नहीं जाती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसको एक बार हल्का से पानी में डिप करके, नमक के पानी में डिप करके निकाल लीजिए, तो जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो भी निकल जाएगा और साड़ी का जो स्टार्च है वो भी निकल जाएगा, तो अच्छी लगेगी साड़ियाँ। तो गाइज़ मैं आपको सारी अपने ऑप्शंस दिखा चुकी हूँ कि आपको क्या क्या पहनना चाहिए राखी पे, क्योंकि क्या है कि राखी जैसा कि मैंने बताया स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए। कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, आप लोग मुझे सजेशन भी देते हैं, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और इसके अलावा आप कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय।